भीमराव कुछ भी करे कुछ कर नहीं पाएगा। बस परसों सुबह तक का समय है उस भीमराव के पास। परसों सुबह होते ही चौल का एक एक व्यक्ति बनेगा गिर मिटिया मजदूर। परसों सुबह होते ही उन सबको कोई जाने से रोक नहीं पाएगा और ना ही रोक पाएगा मुझे जीतने से। एक काम करो, सब मिलकर उसे फिर से ढूंढते हैं और उस भीमराव को पकड़कर ये पता लगाते हैं कि इस बार वो क्या करने की सोच रहा है। चलो। नहीं नरोत्तम जोशी, इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगा और चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने भी नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करके इन सबको गिरमिटिया मजदूर बनने से रोक लूंगा। लेकिन हम ऐसे छुप क्यों रहे? हमने उनका सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि रमा, हर बार सामना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामना करने से बचना भी चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य उन लोगों से सामना करना नहीं था, अभी हमारा लक्ष्य यह है कि कैसे हम चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने से रोकें। चलो जल्दी, समय कम है, जल्द से जल्द सर के पास पहुंचना होगा। चलो सर, क्षमा कीजिए, मैं अभी इस वक्त आपके पास आया हूँ, मगर कारण ही कुछ ऐसा है कि मैं कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात ही नहीं भीमराव, बताओ क्या बात है? दरअसल गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने गिरमिटिया मजदूरों के लिए जो प्रस्ताव बनाया है, उस प्रस्ताव से संबंधित कुछ बातों की जानकारी आपसे चाहिए। पर तुम्हें ये जानकारी क्यों चाहिए और कैसे मिल सकती है जानकारी? बताता हूँ सर। गोखले जी के सहायक के पास चलते हैं। चले चलो, बस यही मदद चाहिए आपसे। अगर आप हमारा ये काम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और इसके अलावा कुछ और तरीका भी नहीं है हमारे पास। मैं हमारे चाल के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उन्हें ऐसे मुसीबत में फंसते हुए, उनका नुकसान होते हुए मैं नहीं देख सकता। भीमराव अंबेडकर, गोखले साहब ने तुम्हारे बारे में जिक्र किया था, मगर अब तुम्हें देखकर और तुमसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है कि गोखले साहब ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा था वो एकदम सही कहा था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मुझे पूरा यकीन है कि यहां हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और जब आपने ठान लिया है तो चिंता किस बात की, सब ठीक हो जाएगा। जीजा भाई, अगर पहले से पता होता ना कि इस घर में इतना नाटक चलता है तो मैं तेरी शादी इस घर में करवाती ही नहीं। सोचा था परिवार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दामाद जी भी अच्छे हैं, पर यहाँ देखो तो सब उल्टा ही है। वैसे भाभी, परिवार और परिवार वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, बस इस निकम्मे भीम की वजह से सब बुरे बन गए। पता, अगर ये भीम नहीं होता ना तो मेरी किस्मत कुछ और होती। भीम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? अपना परिवार, अपने बाप को छोड़कर दुनिया जहान की पड़ी रहती है, उनके लिए मरता रहता है। बाहर जाकर सबसे दुश्मनी मोल लेगा और वो सारे लोग पे चाल में आ जाते हैं, इसकी वजह से पूरा परिवार धोखे में आ जाता है। इसकी वजह से तो कितनी बार भूखे रहते हैं सब, पता है आपको? अरे खा भी नहीं सकते। पता नहीं कब एहसास होगा इसे कि मेरी वजह से मेरा परिवार कितनी तकलीफें उठाता है, कितना परेशान रहता है।
पता नहीं एहसास होगा या नहीं, पर जिस दिन एहसास होगा तो सुधर जाएगा। नहीं भाभी, भीम सुधर नहीं जाएगा, बल्कि जीजाबाई की तरह हो जाएगा, जो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपने वर्तमान को किसी तरह काट लेने के बारे में सोचती है। लेकिन जीजाबाई, भीम मेरा बेटा है, वो स्वार्थी नहीं है, वो सबके बारे में सोचता है, सबकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, सबकी मदद करना चाहता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे मैं एहसास नहीं होने दूंगा। तुम दोनों चिंता मत करो। पर हां जीजा भाई, तरह खुद को देखो, अपने जमीर से पूछो कि क्या तुम सही हो। सर रमा, भीम पता नहीं कैसे और क्या कर रहे होंगे, और यहां तुम दोनों को शिकायत करने से फुर्सत नहीं। और क्यों क्यों इतनी नफरत पाल रखी है भीम के लिए? अरे इतना भी मत करो कि शरीर में अनाज फायदा करना बंद करने और भीम से नफरत तुम दोनों का नुकसान करने लगे। खाइए खाइए, दिल में बिना कोई मैल रखे खाइए। और आप दोनों से विनती है, हो सके तो सुधर जाइए। ये लो भीम, इसमें कुछ लोगों के नाम है और उनके पते भी, तुम जाओ और इनसे मिलो, और अगर इन लोगों से कोई भी मदद हो सके तो हमें बेहद खुशी होगी और संतुष्टि भी। आपने इतना किया हमारे लिए, यही काफी है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। और गोखले साहब को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। चलते हैं। मिला क्या? अरे आप लोग यहां